Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. रख दिया इसने आध्या की यानी राही की दुखती रग पे हाथ, तिल मिला उठी जब हुआ ये एहसास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। इंसान कितना भी भाग ले मगर अपने आप से नहीं भाग सकता। राही वही कर रही है अपने आप से भागने की गलती, मगर आज राही की सहेली ने जब उसको ये सच कहा तो तिल मिला उठी राही। बात करते हैं इसके ऊपर। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो राही यानी कि आध्या पहले भी बहुत कुछ कर चुकी है। आई हेट यू मम्मा, मम्मा की फोटो रखना सामने अमेरिका में कि मैंने फोटो इसलिए रखी है कि मैं आपको नफरत करती रहूं, आपका चेहरा ना भूलूं, वो सब कुछ आध्या ने अनुपमा से नफरत करने में निकाल दिया। मगर डीप इन हार्ट वो अपनी मां से बहुत प्यार करती है, मगर अपने आप को ही डिनाइल मोड पे रख के बार बार ये कहती है कि मैं नफरत करती हूं। आज वही बात आध्या की सहेली ने द्वारिकाधीश के घाट पे कह दी कि तुम नफरत नहीं करती हो, तुम अपनी मां से बहुत प्यार करती हो, क्योंकि उसने देखा है उसको। सहेलियां या मित्र वो होते हैं जो आपके इनसाइड आउट जानते हैं, अगर वो सच्चे मित्र हैं तो। उसने देखा है आध्या की पेन को, इसलिए उसने कहा, क्योंकि वो देखने में भी आध्या से छोटी या आध्या के बराबर ही लग रही है। वो समझती है कि आध्या क्या सोच रही है। जब आध्या बच्चों को लोरी सुनाती है, आंखों में पानी ले आती है, आंसू बहते हैं, जब आप आध्या कहती है कि मुझे अपना बर्थडे नहीं मनाना है और रो देती है, गुस्से में आ जाती है, या और भी कई ऐसे सीक्वेंसेस जिसमें आध्या की आंखों में पानी आता है जब वो मां का नाम लेती है, तो ये नफरत नहीं ये प्यार ही है। सही पहचाना उसकी सहेली ने, मगर आध्या पहचान के भी ये पहचानना नहीं चाहती है। अनुपमा के साथ जो आध्या का सीन था उसमें बहुत कुछ आध्या की तरफ से अनुपमा ने कहा, सोचा कि बेवली मेरे पास तू आ सकती थी, मगर बेवली तो ये सब मन में लेके बैठी हुई है कि मुझे अपनी मां से सिर्फ और सिर्फ नफरत करनी है। तो अब ये नफरत प्यार में फिर से बदलेगी, जो प्यार ऑलरेडी आध्या के मन में है। आध्या ये कहती है आज कि मैंने विश्वास किया अपनी मां पे, यानी कि वो उस बात की बात कर रही है जब वो वापस अपनी मां के पास आई अमेरिका के बाद, जब वो मेघा के पास पहुंची, मेघा से वो फिर अनुपमा के पास आई, अनुपमा ने बेशुमार प्यार दिया आध्या को, और अब आध्या ये कहती है कि मैं अपनी मां के पास गई मगर नहीं, मेरी मां से मुझे प्यार नहीं मिला, जो भी कहा आध्या ने। तो क्या आध्या ये भूल गई कि जब वो मेघा से आशा भवन आई थी, अनुपमा उसको लेके आई थी, तो वो किस स्थिति में थी? क्या आध्या वो सब भूल गई जो अनुपमा ने आध्या को बचाने के लिए किया? वो एक मां ही कर सकती है, मगर ये बात आध्या याद नहीं रखती है। आध्या सिर्फ ये बातें उल्टा सोच के नफरत करने की कोशिश करती है कि नहीं, मेरी मां ऐसी है, मेरी मां वैसी है। तो ये जो आज आध्या की सहेली ने कहा है ये बिल्कुल सही है कि आध्या अपनी मां से नफरत नहीं बल्कि बहुत ज्यादा प्यार करती है, मगर अपने आप को कहते हुए डरती है, कहती है कि मुझे नफरत ही करनी चाहिए, ऐसी मां से मैं नफरत ही कर सकती हूं, मगर कर नहीं पा रही है। तो क्या कहते हो आप इसके बारे में, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।